लेकिन दीदी अभी और लेकिन किंतु परंतु की दुकान बंद कर और चुपचाप अपनी दीदी का कहा मान ले। गौरव मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं केबिन में गई थी वहाँ कोई फाइल नहीं थी। आरती मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ी थी तने तो शायद अंदाजा भी नहीं कि थारे उस फाइल पे साइन ना करने की वजह से हम सब और खास तौर पर मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूं आरती। और ये जो सारा कांड हुआ ना ये सब तुम्हारी उसी छोटी सी भूल की वजह से हुआ आरती। आरती सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं हमारा सपना हमारा सब कुछ जी वो आप क्या कह रहे थे उत्तरा? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। हो सके तन्ने यो थोड़ा अजीब सा लगे और मुश्किल भी लगे पर इस घर की बेहतरी के लिए हमें एक दूसरे से दूर रहना ही पड़ेगा। देवयानी की खातिर हमें यो करना ही पड़ेगा। देवयानी का डर अपनी जगह ठीक है। वो उम्र के ऐसे मोड़ पे खड़ी से है जहां जवानी कभी भी उसका साथ छोड़ सके और तू जवानी के ऐसे मोड़ पे खड़ी से है जहां उम्र भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक तरफ जहां बुढ़ापा उसे आवाज दे रहा वहीं जवानी तेरे पे मेहरबान हो रही। इनके मन में अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो खुद मुझसे कह देते, छिपाते नहीं मुझसे। बाबूजी बाबूजी इससे पहले भी कभी कुछ नहीं छुपाया इन्होंने मुझसे। चीचा जी कभी कभी अच्छी नीयत से भूला गया झूठ भी सच से कहीं ज्यादा अच्छा होवे। अगर हमारी दोस्ती से दीदी को दुख होवे है तकलीफ होवे है तो हम उसे अपनी दोस्ती के बारे में कभी बताना चलने देंगे। हम मिलेंगे भी और बात भी करेंगे, अपनी दोस्ती ना तोड़ेंगे। और इस बात का दीदी को कभी पता भी ना चलने देंगे। ठीक से तो फिर वादा कर, दुनिया चाहे धरते उधर हो जा तो इस सच ने हमेशा छुपाए कर रखे। उसे कतई इस बात का आभास नहीं होना चाहिए हम दोनों के बीच कुछ है। देखिए इंस्पेक्टर साहब यो सब कुछ सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ है। भला आप खुद सोचिए कि मैं अपने ही कंस्ट्रक्शन साइट पर इतना बड़ा एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगा। आखिर इसमें हमारा भी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ना। आपका नुकसान तो सिर्फ पैसे का नुकसान से है और यहाँ लोगों की जान जा रही से उसका के आपके हाथ झाड़ लेने से आप बचना जाओगे। हेलो, तेरी साइट पे जो तन्ने गुल खिलाया ना बेटा इसका पूरा लेखा जोखा मिल गया सहमन ने। अब हमारी बात ध्यान से सुन, हमारे ते पूछे बगैर किसी को कोई बयान मत दे दीजिए। ऊपर बात करके सबको संभाल लूंगा, चिंता करने की कोई बात ना। आपने चिंता करने की कोई जरूरत ना है डैड। आप हमारे लिए परेशान मत हो, मैं कुछ संभाल लूंगा।